नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जादुई करछी में। और अगर मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको पसंद आती है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही मेरी बनाई हुई वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे लहसुनिया पालक पनीर, जो कि होगा स्मूथ, क्रीमी और डिलीशियस। तो चलिए अब हम बनाते हैं लहसुनिया पालक पनीर। लहसुनिया पालक पनीर के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर पानी लेंगे और उसको बॉईल होने देंगे। साथ ही मैंने पालक के साग को मैंने काट के रख लिया है, साफ किया है और अब मैं इसको ब्लांच करूंगी। गर्म पानी में बस इसको डुबो देना है। और साथ ही इस वीडियो को आप लगातार देखें, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपके पालक पनीर के पालक का कलर डिसकलर ना हो। अब इसे हम पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा हल्का सा टेंडर ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पालक की डंडियां हैं और पालक का पत्ता कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको जरा ध्यान से करें क्योंकि ये काफी गर्म होता है। अब मैंने ये ठंडा पानी लिया है और इसमें अब मैंने पत्ते डाल दिए हैं जो ब्लांच हो गए थे। अब मैंने उन पत्तों को बाहर निकाल दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पालक का जो पत्ता है उसका कलर जो है बरकरार रहेगा। अब मैं इसका प्यूरी बना लूंगी। ये देखिए कितनी बेहतरीन और बिल्कुल हरे रंग की प्यूरी बनी है। ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही अब मैं कढ़ाई में करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच घी को गर्म कर लूंगी। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, ये मैंने पहले से काट के रखा है, करीबन 1/2 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून हरा मिर्च और 1 प्याज और साथ ही 1 टमाटर। अब इसको बारी बारी करके मैं तेल में डालूंगी। लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा पकने दे और इसके बाद प्याज को डालें। अब हम इसे हल्का सौते करते रहेंगे। अब साथ ही मैं डालूंगी जिंजर। इसे सौते करें जब तक थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब इस मिक्सचर को टमाटर के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये हल्का सा पक गया है। तो अब मैं इसको 1 टीस्पून धनिया डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब अच्छे से इसको मिला दीजिए और हल्का सा इसको पकने दीजिए। पकने के लिए इसको करीबन 1/2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब 1/2 मिनट के बाद देखिए, अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, करीबन 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिला दीजिए। मसाला जब पक जाए तब हम ये स्पिनच का प्यूरी डाल देंगे, पालक का जो हमने प्यूरी बनाया था उसे। अच्छे से मिला दीजिए। देखिए रंग अभी भी बरकरार है, बिल्कुल हरा है। अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं 1/2 कप बॉइल्ड दूध डाला है, लेकिन ये बॉइल्ड दूध जो था ये रूम टेम्परेचर पर था। अब ये पनीर कटे हुए मैं डाल रही हूँ। पनीर ज्यादा छोटे ना करें, ऐसे चौड़े रखेंगे तो खाने में अच्छा लगता है। हाँ, इस टाइम पर आपको पनीर जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, वरना पनीर टूट जाएंगे। आराम से मिक्स कीजिए। अब इसको हम ढक देंगे करीबन 2 मिनट के लिए। और साथ ही अगर आप पनीर फ्राई करके डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं और क्रीम ऐड कर रही हूँ ताकि इसका डिलीशियस फ्लेवर निखर करके आए और साथ ही ये और क्रीमी हो जाए। ये पालक पनीर जो है वो रेडी हो गया है, लेकिन हमने तो कहा था लहसुनिया पालक पनीर। तो अब हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बटर। मैंने सॉल्टेड बटर लिया क्योंकि मेरे पास वही था। अब इसमें 4-5 कटी हुई लहसुन की कलियां डाल दें।
इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी 2। अब इसे फिर से हम गैस में हल्का सा पकाएंगे। अब मैं हींग डाल रही हूँ और ये है लाल मिर्च का पाउडर। गैस में पकाने के बाद ये देखिए मैंने इसका तड़का लगा दिया। और हाँ, मैं बताना भूल गई, वो कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, वो बहुत ही अच्छा रंग देता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है लहसुनिया पालक पनीर। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे घर में बनाएं, खाएं, और साथ ही आप इसको पराठे के साथ खाएं, बटर नान, जीरा राइस, घी राइस, या फिर सिंपल बासमती चावल के साथ। ये बहुत ही लजीज लगता है, इसको ज़रूर ट्राई करें, और वो भी सर्दियों के टाइम पर पालक भरपेट खाएं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लगातार मेरे चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।